राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर के भोंगरा गांव पहुंची। वसुंधरा राजे ने इस घटना का जायजा लिया। वसुंधरा राजे ने तुरंत ही वहां के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर से चर्चा करते हुए कहा कि इस गांव को गोद लेती हूं। वसुंधरा राजे ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहाँ पर परिजनों को ढांढस बंधाया और उसके बाद वसुंधरा राजे जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, जहां सुरेंद्र सिंह दुल्ला अभी भी भर्ती है। वसुंधरा राजे ने स्पष्ट किया है कि वे जब सरकार में आएंगी तो तुरंत ही इस गांव के लोग जो इस त्रासदी में जिस तरीके से अपने आप कई लोगों को खो चुके हैं, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने का वादा करती है। वहीं वसुंधरा राजे ने भविष्य में इस गांव के लिए विकास और जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए वसुंधरा राजे ने इस गांव को पूरी तरीके से गोद ले लिया है। आगे वसुंधरा राजे पूरा विकास कार्य भोंगरा के लिए अपनी तरफ से करने वाली है।